स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों आपका अपने ही चैनल किंग फैंटेसी टिप्स में। आपको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि ड्रीम इलेवन हैक होता है या फिर नहीं होता है, और ड्रीम इलेवन फेक ऐप है या सही है, जो करोड़ों रुपए के लिए यहां पे खेलने आए हैं और करोड़ों रुपए जीतने आए हैं तो उनके मन में ये तो क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, ये तो उठना जायज़ है क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग ये सोचते होंगे कि सब लोग कैसे जीत जाते हैं, सब लोग 1 करोड़ सही में जीत पाते हैं या फिर नहीं जीत पाते हैं। तो इस यही मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग कॉल करके इंस्टाग्राम व्हाट्सअप पर मैसेज करके हमेशा पूछते हो कि भाई ये सब क्या जो रैंक वन आते हैं ये सही है या फिर ड्रीम इलेवन फेक है या नहीं। अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते होंगे तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो उठता ही होगा, क्या ये सही में फेक है या फिर हैक होता है। तो आप जिस उम्मीद से इस वीडियो पे क्लिक किए हैं उस उम्मीद पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपको इसमें समझाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कवर करूँगा। विश्वास है कि ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके बारे में समझना है। तो गाइज पूरा मेरे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को आप समझिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बड़े बड़े चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग इस छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका भाई का चैनल है, और आप इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको ये समझ में जल्दी आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला टॉपिक रैंक वन जो कि आते हैं वो सही में आते हैं या फिर, उसके बाद बात करेंगे ड्रीम इलेवन के फेक पॉलिसीज़ या फिर ये हैक्ड होता है या फिर नहीं। चलिए सबसे पहली बात जो कि इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ रैंक वन की। तो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े लीग्स में, बड़े बड़े लीग्स जैसे कि BBL, IPL जैसे लीग्स में, लीग्स के स्टार्टिंग के 5-6 मैचेज, जो कि IPL का मैच मान लीजिए कि स्टार्ट हो रहा है IPL, तो आपको स्टार्ट में 5-6 मैचेज का जो कि ये ड्रीम इलेवन वाले ये करते हैं कि वो अपने ही किसी सक्षम को विन करवाते हैं, जैसे कि अपने ही बंदे को विन करवाते हैं, और कुछ मतलब कि इसलिए विन करवाते हैं कि उससे ऐड बनवा सकें। आप ड्रीम इलेवन की एडवर्टाइजमेंट, मतलब मान लीजिए कि आप एक ही दिन में करोड़पति बन गए तो आप क्या ड्रीम इलेवन की एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे? क्या आप एडवर्टाइजमेंट के लिए सक्षम हैं? मान लीजिए आपको अगर 1 करोड़ रुपये दे दी जाए तो आप सच बोलना आपके पास करोड़पति वाली रॉयल्टी 2-3 घंटों में आ जाएगी, मतलब घर बढ़िया आ जाएगी, मतलब घर बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कपड़े, ये सब आप मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा सब लोग अमीर ही लोग खेलते हैं, इससे इसमें रोजाना कमाने खाने वाले भी रोज़ खेलते हैं। गाइज इसमें ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मतलब कि अमीर लोग ही खेलते हैं, नहीं, इसमें 90% लोग कमाने खाने वाले ही खेलते हैं कि हम भी कुछ जीत कर अपना घर द्वार या फिर कुछ भी बना सकें। तो ये बात है, ये कमेंट करके आप बताना ये मैंने आपको बात बोला है सही बोला है या फिर गलत बोला है। तो गरीब लोगों का जीतने का चांसेस 90% हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 90% चांसेस, क्योंकि 90% लोग खेलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10% जो लोग खेलते हैं उसी में से कोई जीतेगा, ये फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के IPL के लीग्स के स्टार्टिंग सब में 5-6 मैचेज में प्रचार बनवाने के लिए ड्रीम इलेवन वाले ये करते हैं कि वो मतलब कि मान लीजिए जैसे कि प्रचार बनवाने के लिए किसी अच्छे, मान लीजिए कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब कि आपको मतलब विन करवा दिए और आपको से आपके से ऐड बनवा दिए, क्यों? क्योंकि आप ऐड में अच्छे से बोल सको। तो गाइज यहाँ से चांसेज वहाँ पे 90% हो जाता है, और मैं चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, मैं समझ आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा। मान लीजिए आपको अगर हम आप गरीब हैं, भगवान ना करे कि आप गरीब हो, मान लीजिए कि, और अगर आप रैंक वन पर चले गए तो उसके बाद आपसे ड्रीम इलेवन प्रचार करवाना चाहेगी तो आप कर पाओगे? अगर आप रोज़ कमाने खाने वाले हैं तो नहीं ना। इसी तरह लीग के शुरू के मैचेज में, IPL के मान लीजिए कि शुरू के मैचेज 5-6 मैचेज में यही होता है, यही होता जाता है, और फिर उसके बाद जो कि फिर उसके बाद उनसे प्रचार करवाया जाता है, फिर आप लोगों को बताया जाता है कि पंकज ऑन ये, शुभराज ऑन ये, यू ऑन ये, इतना मतलब कि सबको बताया जाता है कि इतना चंदन ऑन ये, इतना ETC बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे नेम जो आते हैं, मतलब कि प्रचार होता है कि IPL जो स्टार्ट होने वाला है उससे उसके 10-15 दिन तक प्रचार चलता है। तो दोस्तों ये फार्मूला पर काम करती है, ये ही फार्मूला पर काम करती है ड्रीम इलेवन, जो कि प्रचार ऐड करवाना बहुत ही ज़रूरी है किसी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए प्रचार करवाना ज़रूरी है, आप लोगों को पता है। और फिर भी फिर उसके बाद आप लोग आते हैं खेलने और ना
अगर खेलने का मन नहीं भी रहेगा तो फिर भी आपको ड्रीम इलेवन SMS भेजेगा और बोलेगा कि 50% ऑफ है इस मैच में, आके आप लोग खेल लीजिए। गैज ये तो बहुत ही ज़्यादा घटते ही रहते हैं, और आपको बुलाएगा और बोलेगा कि मैसेजेज में भेजेगा और बोलेगा ज्वाइन फास्ट। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि आप अगर बहुत दिन से ड्रीम इलेवन में इनएक्टिव है, आपको बुला लिया कोई भी, मान लीजिए कि IPL स्टार्ट हो रहा है, आपको बुला लिया और बोलेगा कि 50% ऑफ है इस मैच में, आप लोग आप जन लगा दीजिए, कंटेस्ट लगाइए। अब जैसे ही कंटेस्ट लगाइएगा, अगर विन किए तो ठीक है, अगर विन किए तो उसको ही फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर विन किए करेंगे तो आप उससे खेलेंगे, फिर आपने आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। बस इंटरेस्ट के लिए वो बोलता है, और इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ेगा बस आपका लत लगेगा, और लत लगेगा तो आप उसमें थोड़ा सा फंसोगे। फिर आप लोग जैसे जैसे खेलिएगा आपको लत लग जाएगा और आप फिर लॉस में चले जाएंगे। तो ये होता है, ये तो ही रैंक वन टीम सही रहते हैं या फिर गलत। दोस्तों आपको पता है कि मतलब कि जिसमें अच्छाइयाँ है उसमें बुराइयाँ भी हैं, तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए सेफ ऐप होगा और आप विन करके लाखों करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। बस आपको एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए, पेशेंस और वर्क हार्ड। जैसे कि हर मैचेज की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि हर मैचेज में वीडियो मैं अभी लास्ट में एक और बहुत ही बड़ी थिंग बताने वाला हूँ। हर मैचेज की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मान लीजिए कि ये मैचेज है इसका भी अपलोडेड है, मतलब हर मैचेज का मैं वीडियो बनाता हूँ, हर मतलब जो अच्छे अच्छे मैचेज है जो कि मेगा बहुत ही ज़्यादा रहता है उसका मैं बनाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये तो आपके लिए सेफ ऐप है, आप इसके विन कर सकते हैं। आपको इसमें बस पेशेंस और वर्कआउट चाहिए, आपको ज़्यादा मेहनत और धैर्य बना के रहना है। ये दो चीज़ें आपके में जिस दिन प्रवेश कर गई पेशेंस और वर्कआउट, आप समझ लीजिए कि कोई भी काम मुश्किल चीज़ को आप पा लेंगे और कोई भी काम नामुमकिन नहीं होगा आपके लिए। पेशेंस यानी कि धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है, और कड़ी मेहनत किसी भी चीज़ में ज़रूरी है। बस आप लोगों की दुआ ऐसे ही बना रहे, आप लोग अपने छोटे भाई को बस इतना ऐसे ही प्यार देते रहे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मैंने इस वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब जो कि जो आपको मैं समझाना चाहूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये कोई फेक ये सब नहीं रहता है, बस फेक वो रहते हैं जो इनके नाम पर ठगते हैं, जो कि रैंक वन बोलेंगे कि रैंक वन पर हम आए हैं, आप इतना पेमेंट कर दो। फिर से मतलब कोई चैनल टेलीग्राम पे ऐसा ही होता है, बोलता है कि रैंक वन GL on again, ऐसे ऐसे करके आपको ठगता है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो ही आपको ड्रीम इलेवन का राज समझेंगे। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट एंड नॉलेज टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपको पता ही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी कुछ आगे जा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना है। ये वीडियो कैसा था ज़रूर बताना कमेंट्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर लविंग सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू सो मच गाइज, योर शुभराज सिंह।